प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं भौतिक शास्त्र का 12th क्लास का जो विषय है इसका फुल सॉल्यूशन सेट वन देख रहे हैं। मॉडल पेपर जो जारी किया गया है बोर्ड द्वारा, 5 सेट है, मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस सभी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए क्योंकि इनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये MCQ क्वेश्चन है और MCQ क्वेश्चन जो है वो हार्ड होते हैं। आप सोचते होंगे कि यार कोई बात नहीं है यार, ABCD में तो टिक करना है यार, ABCD का आंसर आपको निकालना तो आना चाहिए, याद तो होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फटाफट मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आंसर बताता जाऊंगा, क्योंकि आपके बहुत सारे सेट्स हैं जिनको अभी हमें क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा क्या गया है, यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो बिंदु पर विभव का मान जो है वो क्या होता है, घट सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है इसकी बात करें हम, तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं, यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल कितना होगा, तो बल जो है एफ होगा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, विद्युत क्षेत्र ई और संभावित बी के बीच संबंध है तो ई बराबर -dv/dx। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एक धन आवेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो वस्तु कैसी होनी चाहिए, ऋण आवेशित होनी चाहिए क्योंकि धन आवेशित जो है वो आकर्षित करेगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, यदि एक समांतर प्लेट सांधित्र की प्लेटों के बीच एक पैराबुद्ध डाला जाए तो उसकी धारिता का मान कितना होगा या क्या होगा, तो वो जो है बढ़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। छठा जो क्वेश्चन है, ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान क्या हो, स्थिर हो, हमेशा बोला गया है ओम के नियम के अंदर। उसके बाद आते हैं सातवां क्वेश्चन जो है, सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि जो गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है आपको बताना है, गैर ओमिक प्रतिरोध जो है डायोड होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम के परिणाम जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें क्रमशः विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण। उसके बाद है जो आपका नौवां क्वेश्चन, नौवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, एक कूलम आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻¹⁸। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, एक आवेश क्यू त्रिज्या आर की एक गाउसी गोलाकार सतह से घिरा है, यदि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत प्रवाह होगा तो अपरिवर्तित रहता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्यारहवा है, ग्यारहवा क्वेश्चन है, तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध जो है अधिक होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स SI मात्रक जो है वी वोल्ट मीटर होता है, VM। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद है तेरहवा क्वेश्चन, तेरहवें क्वेश्चन में जो है, एक तार पी समान सामग्री वाले तार क्यू के व्यास का आधा और लंबाई का आधा है, पी और क्यू के प्रतिरोध का अनुपात आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। उसके बाद आते हैं चौदहवें नंबर क्वेश्चन पे, उस पदार्थ का नाम बताइए जो तापमान में वृद्धि के साथ में प्रतिरोध जो है कम करता है, तो सिलिकॉन है वो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबक के क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वृत्तीय होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोलहवां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, यदि EA अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की ताकत हो और EE समान दूरी पर भूमध्य रेखा पर हो तो EA बराबर हो जाएगा EE के। और सत्रहवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाले दो समांतर चालक जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अठारहवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक सांधित्र की धारिता का मात्रक जो है फेराड होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19वां है, इसमें पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ सर्किट लॉ आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो φBdl और μ0I हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। इसके बाद में एक आवेश क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में घूम रहा है, जैसे कि वेग बी के लंबवत है तो आवेश पर लगने वाला बल QVB होगा, बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। इसके बाद में आते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे, इसमें पूछा गया है लॉरेंट्ज़ बल के लिए व्यंजक जो है आपको बताना है, तो लॉरेंट्ज़ के लिए होता है F = QE + V × B। उसके बाद आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें पूछा गया चुंबक के विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान जो है वो 0 डिग्री होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षितिज घटकर ऊर्ध्वाकर घटक के बराबर हो जाता है उस स्थान का नमन कोण जो है 45 डिग्री होगा, सी ऑप्शन करेक्ट करना है इसमें। इसके बाद 24वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एक छड़ चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के एस ध्रुव और एन ध्रुव तक होती हैं या हैं। उसके बाद में आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। 25वें क्वेश्चन में पृथ्वी के चुंबकीय तत्व जो है 3 राशियां हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जो आपका 150 mAh कुंडली में 4 एम्पियर की धारा होती है इसमें जूल में संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी, जूल में ऊर्जा बतानी है, तो इसका 0.4 जूल होगा। इसको सॉल्यूशन में बोर्ड पे कराऊंगा आपको बाद में। इसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता किसके द्वारा पाई जाती है, तो लेंज के नियम द्वारा पाई जाती है। इसके बाद 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण में समान गतिज ऊर्जाएं होती हैं जब तक सामान्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो उनके पथों की त्रिज्याएं जो हैं क्रमशः 1:√2:1 हो जाएंगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 29वें क्वेश्चन पे। 29वें क्वेश्चन में पूछा 10 एम्पियर की धारा एक लंबे तार से गुजर रही है जिसमें 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार लूप है जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तो लूप केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 5 πμ होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं 30वें क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये यहाँ पे परिपथ दिया गया है, इसका ऑप्शन ए होगा इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। चालकों की एक प्रणाली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तो विभवांतर BA-BB जो होगा वो +2 वोल्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट कर लेना। 31वां नंबर जो क्वेश्चन है प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हाइट स्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है, क्योंकि यह एक शून्य विधि है यानी कि एरर की संभावना कम रहती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका 32 नंबर है, इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए, 3 समान सान्नित्र प्रत्येक की धारिता सी है, सी साथ जुड़े हैं, धारिता सी के साथ जुड़े हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ए और बी के तुल्य धारिता आपको बतानी है, तो इसमें 3 कोलाम हो जाएगा, सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपको CsCl क्रिस्टलों की संरचना में Cs प्लस और Cl माइनस आयनों की BCC विन्यास में व्यवस्थित किया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, Cl माइनस पर 8 Cs प्लस आयन द्वारा लगाया गया शुद्ध स्थिर वैद्युत बल कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है आपको। इसके बाद 34 नंबर जो क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र और संविभव सतह के बीच कोण जो है 90 डिग्री हमेशा होगा, तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। इसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर में है जब एक चुंबक को उसके एन ध्रुव के साथ कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो कुंडली का निकटवर्ती सिरा इस प्रकार कार्य करता है कि उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 35 नंबर ही क्वेश्चन थे, इसमें आपका जो मॉडल पेपर जारी हुआ था इसमें 35 ही क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस 35 क्वेश्चन को भी बेस्ट तरीके से तैयार करें। इसके अलावा और भी सेट हैं उनको तैयार करेंगे, 90 प्लस स्कोर लाना है तो सारे सेट्स को बेटर तरीके से तैयार करना होगा। आसान नहीं है MCQ को तैयार करना, बहुत डिफिकल्ट होता है, थ्योरी वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ ना कुछ लिखोगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिलते हैं, लेकिन इसमें अगर गलती हो गई तो गलती हो गई, सही हो गया तो सही हो गया, यानी कि यहाँ पर बस सीधा सीधा है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। लेकिन थ्योरी में एक ही फ़ायदा होता है कि आप थोड़ा बहुत गलत भी लिख देते हो तो आपको 1-2 नंबर मिलते हैं और जिनसे लटक लटक के आप पास हो जाते हो, इसमें पास और फेल के कुछ साफ साफ है, या तो पास हो गए या फेल हो गए, इसलिए सारे सेट्स को पढ़ लेना ध्यान से। और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो लिंक दे रहा हूँ उसको देखना, उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे 1x1 सारे सेट्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, और चैनल पर अगर आप बने हुए हो तो अच्छी बात है, नहीं बने हुए हो तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। सारे सेट्स डालूंगा, सारों को सॉल्व कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।